अगर फायर बटन साइज एंड सेंसिटिविटी परफेक्ट हो तो हर गन से रेड नंबर हेडशॉट मार सकते हैं, लेकिन 90% प्लेयर्स बड़े यूट्यूबर्स का देखकर अपने फायर बटन साइज को कॉपी करते हैं। भाई मुंह की बात छील ली। बट इन रियलिटी सभी के मोबाइल का रैम साइज एंड सेंसिटिविटी अलग अलग होता है, और यही कारण है कि सभी को डिफरेंट फायर बटन साइज को रखना पड़ेगा। सो न्यू अपडेट के बाद फायर बटन की बेस्ट साइज एंड प्लेसमेंट को इस वीडियो पर जानेंगे। तो जब हम लोग अपने कस्टम एचयूडी के मिडिल पॉइंट से इसको दो बराबर अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, तो लेफ्ट साइड के लिए हमें मिलता है एक लेफ्ट फायर बटन। ध्यान से इस लेफ्ट वाले फायर बटन को तुम लोग सेटिंग पर जाकर ऑलवेज ऑन पर करके रखना। तो समझो हम लोग लेफ्ट फायर बटन का यूज ग्लू वॉल को लगाने के लिए, AWM से विदाउट स्कोप फायरिंग करने के लिए। तो सिंपली तुम्हारे मोबाइल का रैम कितना भी हो, तुम्हारे मोबाइल का साइज कुछ भी रहे, लेकिन तुम्हें लेफ्ट फायर बटन को हमेशा 85% ही रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी साइज 100 पर भी काफी ज्यादा छोटी रहती है। सेम कस्टम एचयूडी के राइट साइड के लिए भी हमें मिलता है एक राइट फायर बटन। इसके साइज को सबसे छोटा 10% एंड सबसे ज्यादा 100% पर कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइज किसी भी काम का नहीं है। देखो जब हम लोग फायर बटन को ड्रैग करते हैं तो इसका मेन पोजीशन तो वहीं पर रहेगा। फायर बटन को ड्रैग करने का एक मैक्सिमम प्लेस होता है जिससे ज्यादा ड्रैग नहीं कर सकते। तो देखो जब हम लोग फायर बटन की साइज को छोटा रखे या फिर बड़ा रखे, दोनों का ये वाला पार्ट उतना ही ड्रैग होगा, लेकिन जब हम लोग बड़े फायर बटन साइज को रखते हैं तो ये ज्यादा प्लेस को घेरता है, जिससे हमें ड्रैग करने का स्पेस काफी कम मिलता है एंड इससे हेडशॉट काफी कम लगते हैं। और बड़े फायर बटन के कारण जब हम लोग स्क्रीन को रोटेट करें तो गलती से हमारा फायर बटन प्रेस हो जाता है। और जब हम लोग अपने फायर बटन साइज को 35% से कम पर रखते हैं तो कभी कभी हम लोग ड्रैग कर भी दे लेकिन बटन प्रेस नहीं होगा, यानी कि हमारा बटन जल्दी से क्लिक होगा ही नहीं। सो देखो अगर तुम्हारे मोबाइल का साइज छोटा है तो तुम्हें कितना रखना चाहिए वो समझो। तो इसके लिए कस्टम एचयूडी पर जाओ एंड अपने फिंगर को फायर बटन पर रखो और सिंपली तुम्हें अपने साइज को उतना करना है जितना कि तुम्हारे थंब से सही से प्रेस हो जाए। लगभग जो साइज होगा वो 51.2 के करीब रहेगा। सो बात करते हैं 2GB एंड 3GB रैम के मोबाइल्स। ये मोबाइल्स थोड़े से पुराने होते हैं एंड इस पर टच सेंसिटिविटी भी सही से वर्क नहीं करती। ऐसे में तुम लोग छोटे फायर बटन साइज का यूज नहीं कर सकते, इससे तुम्हें फायरिंग प्रॉब्लम भी मिलेगी। सो सिंपली अपने फायर बटन साइज को तुम लोग 53, 54 या 55% पर रखना। अब तीनों ट्राई करना, जो भी तुम्हें बेस्ट लगे उसका यूज करो। लेकिन अगर तुम्हारा मोबाइल का रैम 4GB, 6GB, 8GB या फिर कोई भी हाई एंड डिवाइस रहे तो न्यू अपडेट के बाद ऐसे मोबाइल्स पर तुम्हें टच प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इस बार तुम्हें अपने फायर बटन को 40%, 45% या फिर 48% पर रखना। इस पर भी तुम लोग तीनों साइज को ट्राई करना एंड इसके बाद ही तुम लोग इसका यूज करना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी फायर बटन साइज को रखने को कह रहा हूं। ये सारे साइजेस तुम्हारा 100% वर्क करेगी क्योंकि इसको मैंने ट्राई करके भी देखा है। थैंक यू। तो इस न्यू अपडेट पर तुम्हें अपने फायर बटन के पोजीशन को कैसा रखना चाहिए वो समझो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो अपडेट के बाद सीक्रेट सेटिंग्स पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। और बेस्ट सेंसिटिविटी की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिलेगी। तो इस बार बहुत ही इजीली अपने फायर बटन के पोजीशन को तुम लोग फाइंड कर सकते हो, यानी कि गेम को ओपन करो एंड इसके कस्टम एचयूडी पर जाओ और तुम लोग जिस तरह से गेम्स खेलते हो उस तरह से तुम्हें अपने मोबाइल को पकड़ना है और सिंपली तुम्हें बिना देखे ड्रैग करने की कोशिश करनी, यानी कि यहाँ पे मेरा फायर बटन गलत पोजीशन पर है और जब मैं ड्रैग करता हूँ तो मेरा फिंगर यहाँ तक पहुँचता है एंड मैं यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा फिंगर जहाँ तक पहुँचता है और जहाँ पर फिंगर को रख कर मैं ड्रैग करता हूँ सिंपली उस प्लेस पर अपने फायर बटन को सेट कर दो। सो आज के लिए बस इतना ही। सीक्रेट सेटिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।